मौत एक ऐसी सच्चाई जिससे सबसे ज्यादा आजकल मजदूर ही दो चार हो रहे हैं। वो टूट सकता है, वो बिखर सकता है, हाँ ये जरूर है कि वो वापस खड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में क्या करे जब वो लड़खड़ाने के बाद खड़ा होने के लिए बचे ही ना। ये रिपोर्ट देखिए। हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहा तो पैदल तो जाने दो, मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाऊं। मेहनत कश मजबूर हुआ, रोजी रोटी को तरस रहा, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, अंगार हृदय में धधक रहा, बहते आंसू में प्रश्न मौन, इस अनहोनी को रोके कौन। कांधों पर बच्चों को रखे चला वो दिन रात तमाम, पांव में छाले फूट रहे दूर गांव के देहरी धाम, बहते आंसू में प्रश्न मौन, इस अनहोनी को रोके कौन। ये शब्द नहीं है, ये दर्द है उन मजबूरों का जो मजदूर है। उनकी गलती ये है कि वो इस देश की रीढ़ की ऐसी हड्डी है जो टूटने लगी है। महामारी तो उन्हें बाद में छू पाएगी, पहले तो भूख, तपती धूप और बच्चों का चलते चलते टूटता दम ही उनकी जान ले लेगा। जब कोरोना ने देश की रफ्तार रोकी तो ये बस पैदल ही चल पड़े अपने अपने घर की ओर, कोई 100 किलोमीटर तो कोई सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर बस निकल पड़ा, ताकि अगर जान भी जाए तो अपनी मिट्टी को चूम कर जाए, और अगर बच गए तो कुदरत ने गांव को इतना तो नवाजा ही है कि कैसे भी कर कर पेट की आग को बुझाई लेंगे। लेकिन सोचा कहाँ हो पाता है, कुछ का दोष कुदरत के ऊपर तो थोड़ा हुक्मरानों के ऊपर। हमें बस ये मालूम है कि हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं भूख से, हम मर रहे हैं कंगाली से, और तो और अब हम मर रहे हैं सड़क हादसों से। वजह चाहे जो हो, बलि हमारी ही दी जा रही है। जब से कोरोना कहर बरसना शुरू हुआ है तब से सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर ही पड़ रही है। तमाम दर्दनाक हादसों पर नजर डाले तो आज सबसे पहले औरैया में हुए दर्दनाक हादसे की बात कर लेते हैं। भीषण सड़क हादसे में 24 लोगों की जान चली गई और 15 से 20 लोग घायल हो गए। घटना में जिन दोनों ट्रकों में टक्कर हुई उन दोनों में ही मजदूर सफर कर रहे थे, ये मर गए इस अरमान को मन में लिए जिसमें ये बस घर जाना चाहते थे, लेकिन ये अरमान बस थे बनकर रह गए, है नहीं हो पाए। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद की घटना ने दिल दहला कर रख दिया था, जहां एक मालगाड़ी के नीचे कटने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सभी मजदूर पैदल ही उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर निकल पड़े थे, अपने घर की ओर। इनका शरीर तो मालगाड़ी के नीचे आकर चिथड़े चिथड़े हो गया, पीछे छूट गई तो बस चंद रोटियां, जिसके लिए शहर में आए थे और जिसके लिए ही ये वापस अपने गाँव को जा रहे थे। वाकई बड़ा बोझ समेटे थी ये रोटियां खुद। इस तरह ही मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी 14 मई को रात एक बड़ा हादसा हुआ, जहां कैंट पीसीएस इलाके में एक ट्रक और बस की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 लोग घायल हुए थे। ये सभी मजदूर ट्रक में सवार थे, ये सभी महाराष्ट्र से अपने घर यूपी जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या, हासिल क्या हुआ? मौत, वो भी दर्दनाक, वो भी ऐसी जगह जहां अपनी मिट्टी तो छोड़ो उसकी खुशबू तक नहीं नसीब हुई। सड़क हादसों की सूची में एक हादसा मुजफ्फरनगर का भी है, जहां जिले में घर जा रहे प्रवासी मजदूर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक राज्य परिवहन की बसों ने सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 6 की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के शिकार मजदूर बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। ये प्रवासी मजदूर पंजाब से पैदल अपने घर की ओर लौट रहे थे। सोच कर भी रूह कांप उठती है कि इतनी दूर ये बेबस मजदूर पैदल चले जा रहे थे, चलते चलते ही चले गए। बस का ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद गाड़ी को वहीं पर छोड़कर घटना स्थल से फरार हो गया था। वहीं इन सबके अलावा बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में भी सड़क दुर्घटनाओं में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल मुजफ्फरपुर से प्रवासियों को लेकर कटिहार जा रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 2 बस यात्रियों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने न जाने कितने ही तपते दिनों पैदल चलते हुए इसलिए गुजार दिए कि इन्हें घर जाने को मिलेगा। लेकिन मिला क्या, मौत, वो भी इतनी दर्दनाक, ऐसी मौत जिसके आगे शायद कोरोना का दर्द भी हल्का लगने लगे।
दिल रोकर बस यही कह उठता है कि हाँ हाँ साहब वो मजदूर था, थककर पसीने में जो चूर था, पैदल चलने को मजबूर था, गरीबी नाम का वायरस ही बना उसके लिए नासूर था, क्या उसका गरीब होना ही उसका इकलौता कसूर था। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।